जी सिंह गरेवाल भोला द्वारा आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार अवनीत सिंह बिट्टू के चुनाव प्रचार के लिए गरेवाल ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ देखने को मिली और इस दौरान इस रैली को संबोधित करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। जदों एड्डी रैली होंदी आ नाल दी नाल वीडियो जारी हो जाती है, अज आ रैली वड्डी हुई, अज फिर कोई वीडियो जारी हो जाएगी। बहुत अच्छा अभियान चल रहा है और अवनीत एक ऐसे नौजवान हैं जिनमें विकास के लिए, काम के लिए, सेवा के लिए बड़ी भूख है, ललक है, तड़फ है। ऐसे नौजवानों को पार्लियामेंट में पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। फिर ये जो जिस 21वीं सदी के भारत की हम बात कर रहे हैं, उस भारत के निर्माण में राहुल गांधी जी के साथ जो कंधे से कंधा मिला करके काम कर सकते हैं, उन चेहरों में एक रवनीत सिंह बिट्टू भी। जहाँ जरा हल्का पूर्वी है वह प्यार है उन्होंने, जे मैं कुछ अज है हल्का पूर्वी सत्कार जो बुजुर्गों करके, मेरी सत्कार जो मातावान करके, मेरे सत्कार जो नौजवान साथियों करके, मेरे नौजवान भैन करके, जिन्होंने अब मेरे पांच बारी आजाद इलेक्शन लड़ा के हर बारी ग्राह पधाया। और पिछली बारी कौंसलर इलेक्शन च पूरे पंजाब चो सब तो वध लीड ते जिताया, तो इस बार उस तो बाद एम एल ए 22,500 वोटा, तो उस तो बाद एम एल ए 41,500 वोटा, ना कोई तुपका दारू, ना कोई एक रुपया बगैर लालच तो। यह सत्कार जो संगतों का प्यार आ और मैं इन्हों का ऋणी हाँ। मेरा ख्याल है भी अगला जन्म लैके भी नहीं भुला सकता। अज सारे ईस्ट के लागे हल्का पूर्वी के सत्कार जो बुजुर्ग, मेरिया मातावान भैन के नौजवान बिट्टू जी का समर्थन कर आ रहे हैं, बिट्टू जी दसन आ रहे हैं, असं थोड़े नाल खड़े हाँ, तो काम भी थोड़े तो इन्ने लैने और वादा करते हैं इस इलाके का कोई भी काम नहीं रहने देंगे।